Hey guys, this is day 7 of creating content and welcome back on my channel. और आज हम कुछ mix workout कर रहे हैं और हम अपने जो mic जो हमने खरीदा है wireless उसी पे vlog कर रहे हैं. मैंने वो return कर दिया और एक नया reorder किया था same वाला mic. तो return नहीं कर रहे थे but वो replace कर दिए with a new one. So I hope this sounds little better. उस पिछले वाले में कुछ ज़्यादा ही noise थी. I think that was the defective piece. Okay. Every day deciding a topic is little tough. Har din ek topic decide karna, kuch create karne ka thoda sa mushkil hai. But I'm using this channel for practice purpose, you can say, because हमारी creativity अभी भी उतनी बेहतर नहीं हुई है. So we are just creating, क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ drop करना है. So कुछ ना कुछ create तो करना है. So we are just sharing our thoughts, what is happening around us, and that's what we are vlogging. It's 7 in the morning और अभी धूप आ चुकी है. हर दिन वीडियो ड्रॉप करना क्या ये रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है? मैं इसलिए हर दिन ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि फ्लो ना टूटे, बिकॉज वंस देर इज अ गैप देन मोटिवेशन हो सकता है, लैग कर सकती है, मेरे साथ होती है जनरली. सो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग एवरी डे सो दैट आई कैन बी रेगुलर. दैट्स वाई मैंने 365 डे का चैलेंज रखा है कि हर दिन कुछ ना कुछ क्रिएट करना है हमें. I find plank to be very effective for losing stomach fat or belly fat, you can say. So I generally loved it. इतने दिनों के बाद अब थोड़े बहुत बादल दिख रहे हैं, बारिश के कुछ आसार दिख रहे हैं. हल्का फुल्का बादल दिख रहे हैं. वेदर रिपोर्ट में थोड़ी सी चेंजेस आए हैं, अभी कुछ बादल वगैरह हमें दिख रहे हैं रिपोर्ट में. और करेंट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और इक्वाई में भी 50 से थोड़ा सा डिफरेंस आया है, 50-50 नंबर से. मैं तो पहले 300 के ऊपर ही था सारा इक्वाई जो दिख रहा है आसपास के रीजन का. अभी यहाँ पे 250 दिख रहा है, 260. तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी बारिश होगी. So it's breakfast time, morning है breakfast. We are trying to keep our breakfast healthy a bit. We have some lady finger vegetables and curd and rotis. So और अभी हम थोड़ा सा चैनल अपना रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, क्या एनालिटिक्स है. सो दैट्स इट. इस प्रोडक्ट को मैं रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्कूटी में फिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका होल जो है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है. मेरे स्कूटी का जो मिरर वाला रीज़न है वहाँ पे फिक्स करने के लिए. सो आई एम जस्ट रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट एंड आई विल बी गेटिंग द रिफंड फॉर दिस. सो इट्स अ नाइस डील. पिछला प्रोडक्ट जो मेरा माइक वाला था उसमें तो रिफंड का ऑप्शन नहीं था, उसमें बस रिप्लेस का ऑप्शन था. दैट वॉज वेरी बैड, बिकॉज अगर आप क्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर क्या आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा ना, रिप्लेस करने से क्या होगा. मोर ओवर जब मैं अपना आईफोन इस पर फिक्स कर रहा था तो मेरा कैमरा यहाँ पे, बैक कैमरा यहाँ पे स्टक हो जा रहा है और ये सही से बंद नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है. सो ये भी एक इशू है, इस पर सही से मेरा आईफोन बैठ नहीं रहा है. तो दैट्स वाई आई एम जस्ट रिटर्निंग दिस प्रोडक्ट और दैट्स इट. या बट दिस प्रोडक्ट वॉज रियली गुड फॉर वॉचिंग द डायरेक्शन फॉर मैप थिंग. दिस इज अ बेटर प्रोडक्ट. The build quality is also quite good, but it's not fixing. This reason is very large. Evening हो गया है, अब बज रहे हैं 8 और मैं ऑफिस का काम खत्म करके एक वीडियो और बनाया अपने दूसरे चैनल के लिए. So that what I was talking in the morning time, कि अगर आप लगे रहते हो तो आपको आइडियाज आते हैं, कुछ
करते रहने का। सो दैट्स द रीजन मैं सोचा हूँ कि कुछ भी क्रिएट करो बट वीडियोस हर दिन रिलीज करो ये अपने चैनल पे, सो दैट यू रिमेन इन द फ्लो। दिस इज माय ऑफिस लैपटॉप एंड दैट लैपटॉप सबसे पुराना लैपटॉप है, 2016 में मैंने खरीदा था और बहुत लगभग हजारों वीडियो इससे एडिट किया हूँ और अभी भी करता हूँ कभी कभी। एंड दिस इज माय न्यू लैपटॉप जहाँ पे मैं अभी हाल ही का अभी लेटेस्ट वीडियो जो है वो सब मैं यहाँ से इससे क्रिएट करता हूँ, इस पर एडिट करता हूँ और इसी पे अपलोड करता हूँ। सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ न्यू वीडियो विच विल बी रिलीजिंग एट 8 एंड दैट द टाइम इज नाउ, इट हैज़ बीन रिलीज्ड, सो आई होप इट विल परफॉर्म बेटर। सो मैंने दो चैनल को एक्टिव करके रखा है अभी इस टाइम पे। करेंट फोकस यही है कि भाई बस रेगुलर रहना है और धीरे धीरे क्रिएटिविटी धीरे धीरे आएगी क्योंकि मैं लगभग 1 साल या 1.5 साल का गैप कर चुका हूँ अपने यूट्यूब पे। इतना लगभग 1.5 साल से मैंने वीडियोज़ बनाना बंद ही कर दिया था। सो अब फिर से फ्लो में आना और फिर से उसी रेगुलरिटी के साथ और उसी क्वालिटी के साथ कंटेंट क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे विल एडजस्ट विद द टूल्स, क्योंकि ये मैंने मेरा नया लैपटॉप है इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं है एडिटिंग वाले और यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें ऑलरेडी मेरे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉल्ड हैं बिकॉज आई एम फ्रॉम द IT बैकग्राउंड और उसके सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सारे होते हैं तो ऑलरेडी ये हैंडल नहीं कर पाएगा दोनों चीज़ का टूल्स यहाँ पे, एडिटिंग टूल्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। और दूसरा लैपटॉप में मैं सोच रहा हूँ उसमें एडिट करने का बट उसमें USB सपोर्ट नहीं कर रहा है करेंटली मेरा USB जो माइक है। सो लेट्स सी विल वर्क विथ बोथ दीज लैपटॉप।